हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग स्ट्रांग। आज के इस वीडियो में हम करने वाले पुशअप्स। दोस्तों आप सोचोगे मैं पुशअप क्यों सिखा रहा हूँ। दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पुशअप्स भी नहीं कर सकते हैं। मैं उन दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप एक एक पोजीशन के साथ पुशअप करना सिखाऊंगा, जिससे आप प्रॉपर वे से जो पुशअप पोजीशन होती है, काफ़ी जने ऐसे भी होते हैं जो पुशअप कर तो लेते हैं बट प्रॉपर पुशअप्स नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से पुशअप्स कैसे करते हैं उनके स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का। दोस्तों पुशअप्स के फर्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं वॉल पुशअप। वॉल पुशअप्स में आपको ये ध्यान रखना है, अपने दोनों हाथों को दीवार के सहारे लगाते हुए, बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखते हुए, हिप टाइट, चेस्ट इन करते हुए बॉडी को आगे झुकाना है, देन बॉडी को पीछे। इस तरह आप कम से कम 5 to 10 पुशअप्स करेंगे। दोस्तों वॉल पुशअप्स करने के बाद आप अपनी हाइट को डिक्रीज करेंगे। उसके लिए आपको अपनी हाइट को डिक्रीज करते हुए 5 to 10 पुशअप्स करने हैं। देखेंगे किस तरह मैं अपनी बॉडी को स्ट्रेट करते हुए पुशअप्स कर रहा हूं। दोस्तों यहां आप कैपेबल हो जाए जब अपनी पुशअप पोजीशन करने के बाद, तब आप अपनी हाइट को और थोड़ी नीचे डिक्रीज करते हुए पुशअप पोजीशन ट्राई करेंगे। देखेंगे किस तरह मैं अपनी हाइट को डिक्रीज करते हुए, बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए, हाथों पे वेट लेकर बॉडी को डाउन करते हुए, अगर आप प्रॉपर पूरा पुशअप चेस्ट लगाते हुए नहीं कर पाते हैं तो फर्स्ट टाइप में आप हाफ पुशअप भी कर सकते हैं, देन आप इसका लेवल अप करते हुए चेस्ट आगे लगाते हुए भी पुशअप्स कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी हाइट को डिक्रीज करने के बाद अपने ऑन द ग्राउंड फ्लोर पे आप पुशअप पोजीशन को होल्ड करेंगे, जिसमें आप ध्यान रखेंगे अपना चेस्ट पूरा इन करेंगे, पाम को सीधा रखेंगे, हिप टाइट रखेंगे और दोनों हाथों के बीच में अपनी नजर रखते हुए मिनिमम 20 to 30 सेकेंड आपको इस पोजीशन को होल्ड करना है। दोस्तों इस पोजीशन को होल्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा नी पुशअप्स। नी पुशअप्स में आप क्या करेंगे, अपने दोनों घुटनों को जमीन पर लगाते हुए, बॉडी का वेट अपने दोनों हाथों पर लगाते हुए, गर्दन को सामने रखेंगे और चेस्ट डाउन करते हुए दोनों हाथ को बेंड करेंगे और पुशअप्स करने की ट्राई करेंगे। दोस्तों ये पुशअप्स आपके 5 to 10 मिनिमम होने जरूरी है। दोस्तों नी पुशअप्स करने के बाद अब आपको ट्राई करना है अपना वन लेग एयर में रखते हुए, दूसरा लेग नी का ग्राउंड फ्लोर पे टच रखते हुए पुशअप्स करने की कोशिश करेंगे। हम अपना लेग चेंज करेंगे। दोस्तों नी पुशअप्स करने के बाद अब आपको हिंदू पुशअप्स करना है, जिसे दंड बैठक भी बोला जाता है। देखेंगे किस तरह दोस्तों हिंदू पुशअप्स करने के बाद आपको अब करना है नेगेटिव पुशअप्स। नेगेटिव पुशअप्स में दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि आप पुशअप्स में डाउन तो जाएंगे बट अप नहीं आएंगे, डाउन जाके बॉडी को रिलैक्स करेंगे, अगेन वापस बॉडी को पुशअप पोजीशन में लाएंगे, डाउन जाएंगे देन रिलैक्स। देखेंगे किस तरह।
दोस्तों नेगेटिव पुशअप्स करने के बाद में अब आपको पुशअप पोजीशन मिडल होल्ड करना है, जिसमें अपने दोनों हाथों को 90 डिग्री एंगल पे होल्ड करते हुए 20 से 25 सेकंड तक अपनी पुशअप पोजीशन को होल्ड करना है। देखेंगे किस तरह। दोस्तों मिडल होल्ड करने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप पुशअप पोजीशन डाउन होल्ड करना है, जिसमें अपनी बॉडी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जितने डाउन होल्ड कर सकते हो उतने होल्ड करने की कोशिश करनी है। पर दोस्तों ये ध्यान रखना है आपकी पूरी बॉडी जमीन पर टच नहीं होनी चाहिए। देखेंगे किस तरह। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने किस तरह डाउन होल्ड करके अपने पुशअप पोजीशन को होल्ड किया है। अब दोस्तों फाइनली अपना स्टेप बचता है पुशअप्स। अगर आप ये स्टेप कर लेते हैं तो आपका प्रॉपर वे में पुशअप्स हो पाएगा। देखेंगे दोस्तों किस तरह प्रॉपर पुशअप्स किया जाता है। अपने दोनों पाओं को मैक्सिमम खोलते हुए चेस्ट इन करेंगे, हिप टाइट, गर्दन सामने, एंड देन डू पुशअप्स।